हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, एन आर्मी कॉन्टिंजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन ए पैरेड। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च? तो ये क्वेश्चन को थोड़ा सा फ्रेम कर लेते हैं। क्या बोला गया है? आर्मी एक बैंड होगा जिसमें 32 मेंबर्स रहेगा, और आर्मी कंटिंजेंट होगा जिसमें 616 मेंबर्स रहेगा। ठीक है, और एक पैरेड में जाएगा। तो ध्यान से सोचो, जो नंबर ऑफ कॉलम्स होगा 32 मेंबर्स का, वो कुछ इस तरह से फॉर्म करेगा। ठीक है, तो यहां पर भी वही सेम रो में, मतलब जो बैंड होंगे, मेंबर्स होंगे, मान लो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, 7 कॉलम्स है ऐसे, तो मेंबर्स कैसे खड़े रहेंगे? ऐसे ऐसे, ठीक है, लाइक दिस वे। अब क्योंकि ये 32 है, तो यहाँ पर 2 भी हो सकता है, यहाँ पर 4 भी हो सकता है, यहाँ पर 8 भी हो सकता था, मान लो 8 भी हो सकता था। ठीक है, तो इसी के पीछे ऐसे यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, ऐसे करते हुए, ऐसे करते हुए 32 मेंबर्स खड़े रहेंगे। और इसी सेम लाइन में, सेम लाइन में 616 मेंबर्स भी ऐसे खड़े रहेंगे। ऐसे खड़े रहेंगे, ठीक है, मतलब ऐसा होता है ना पैरेड में, क्या होता है, कुछ इस तरह से इंसान खड़े रहेंगे बैंड, ठीक है, फिर उसके पीछे ये बैंड खड़े रहेंगे, ठीक है, और उसके बाद थोड़ा सा गैप देने के बाद यहाँ पर जो कॉन्टिंजेंट ऑफ 616 मेंबर्स बोला गया है, वो होगा ऐसे, ऐसे भी चलेगा, है ना, ऐसे भी चलता है। तो ये जो नंबर ऑफ कॉलम्स है, ये कितना बनेगा, देखिए, जो कि मैक्सिमम नंबर्स हो। तो यहाँ पर क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है? हमेशा एक छोटा चीज याद रख लेना, अगर मैक्सिमम नंबर्स कहीं पे मिले, ये चीज याद रखना, अगर मैक्सिमम नंबर कहीं पे मिले तो मतलब एचसीए फाइंड आउट करने को बोला गया है। ठीक है, एचसीए फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है, एचसीए फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है, तो यहां पर हमको एचसीए फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम कौन सा बड़ा नंबर था? 616। 616 डिविडेंड इज इक्वल टू 32 मल्टीप्लाइड बाई, कितना नहीं पता, इसलिए बोला था रफ वर्क करना है हमेशा, तो रफ वर्क करो। 32 डिवाइड करेगा 616 को 1 टाइम्स, 32 9, दिस इज 2, दिस इज 6, सो व्हाट विल कम? 9, which is 18, carry over 1, 27, 28. So what is the remainder? 8, and 8 exactly divides 32 in 4 times. So ये कर लेने के बाद आसानी से लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो 19 प्लस रिमाइंडर निकला था 8. ठीक है, फिर 32 is equal to 8 multiplied by 4 plus 0. यहां पर रिमाइंडर इज इक्वल टू 8 इज नॉट इक्वल टू 0, और यहां पर रिमाइंडर इक्वल्स टू 0, देयरफॉर एल्गोरिदम स्टॉप्स ठीक है, सो देयरफॉर एचसीएफ क्या निकला? एचसीएफ ऑफ 616 कॉमा 32 इज इक्वल टू एच सी एफ 32.8 इज इक्वल टू 8, सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स आंसर, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इज
8 ठीक है ओके यस सो इन क्वेश्चन नंबर 3 इट इज सेड एन आर्मी कॉन्टिंजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन ए पैरेड इन टू ग्रुप्स दे आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स सो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च सो दैट मीन्स वट दिस मैक्सिमम नंबर विच इज बेसिकली द HCF बिकॉज HCF इज द कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ दिस नंबर एंड दिस नंबर ओके सो दिस इज द रिक्वायर्ड हिंट वट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स सो दैट मीन्स वट द आंसर विल एग्जैक्टली डिवाइड दिस नंबर एंड दिस नंबर ओके सो HCF इज दैट रिक्वायर्ड वैल्यू ओके एंड दिस इज द बेसिकली विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस क्वेश्चन ओके हाउ द आर्मी बैंड्स आर फॉर्म्ड द बैंड्स मेंबर्स स्टैंड एट फर्स्ट एंड बिहाइंड देम द आर्मी कॉन्टिंजेंट पैरेड्स ओके सो बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम विच वन इज बिगर 616 सो इट इज द डिविडेंड द स्मॉलर नंबर 32 इज द डिवाइसर हियर द रफ वर्क इज डन विच यू हैव टू डू अदरवाइज द सम इज गोइंग टू बी अ बिट कॉम्प्लिकेटेड ओके सो इन द फर्स्ट केस द रिमाइंडर इज 8 विच इज नॉट इक्वल टू 0 सो अगेन 32 दैट इज द प्रीवियस डिवाइसर विल बिकम द डिविडेंड एंड द प्रीवियस रिमाइंडर विल बिकम द डिवाइसर ओके सो इन दिस केस रिमाइंडर इज 0 सो दैट मीन्स एल्गोरिथम द स्टॉप्स एंड HCF इज 8 सो द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इज 8 क्लियर ओके हाँ तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 में देखो यूज यूक्लिड्स डिविजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 तो इस तरह के सम में जो ये नंबर है 3 ये जो नंबर है 3m प्लस 1 में ये जो 3 यही हमारा डिविजर है ठीक है तो हम इंटीजर को कैसे मानेंगे n इज इक्वल टू 3q प्लस r मानेंगे ठीक है और तो मतलब यहां पर क्योंकि डिवाइसर 3 है तो r का कितना वैल्यूज होगा 0 हो सकता है 1 हो सकता है 2 हो सकता है ठीक है ओके सो लेट एनी पॉजिटिव इंटीजर बी ऑफ द फॉर्म 10 is equal to 3q plus r 0 less than equal to or less than 3 that is r is equal to 0 हो सकता है 1 हो सकता है 2 हो सकता है तो मतलब यहां पर 3 केसेस बनेगा ठीक है तो केस 1 when r equal to 0 तो n is equal to क्या आएगा 3q plus 0 is equal to 3q ठीक है so therefore square of a positive integer पूछा था तो मतलब n square निकालना पड़ेगा तो n square is equal to 3q का whole square which is equal to 9q square ठीक है अब इस 9q square को किस फॉर्म में दिखाना है 3m तो मतलब देखो 3 कॉमन ले लो और बाकी जो है उसको मल्टीप्लाइड फॉर्म में लिख दो ठीक है तो ये जो वैल्यू है इसी को 3m बोल सकते हैं वेयर m इक्वल टू 3q स्क्वायर बी एनी इंटीजर ठीक है चलो केस 2 में क्या होगा व्हेन r इज इक्वल टू 1 n इज इक्वल टू 3q प्लस 1 ठीक है सो देयरफॉर n स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर मतलब कितना आएगा 3q का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 3q मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 1 स्क्वायर सो विच इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस
सिक्स क्यूब प्लस वन। अब यहां से यहां तक में थ्री कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन लेंगे, थ्री थ्री क्यू स्क्वायर प्लस टू क्यू, और ये प्लस वन जो है वो लिख देंगे। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है उसी को हमेशा एम मानना है, तो इज इक्वल टू थ्री एम प्लस वन, वेयर एम इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है थ्री क्यू स्क्वायर प्लस टू क्यू बी एनी इंटीजर। ठीक है, चलो केस थ्री में वेयर आर इज इक्वल टू जीरो, सॉरी टू, एन इज इक्वल टू कितना, थ्री क्यू प्लस टू, सो देयर फोर एन स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री क्यू प्लस टू का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू नाइन क्यू स्क्वायर प्लस टू मल्टीप्लाइड बाई थ्री क्यूब मल्टीप्लाइड बाई टू प्लस टू स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू नाइन क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू प्लस फोर। अब इस फोर को थ्री प्लस वन लिख सकते हैं कि नहीं, इस फॉर्म में नाइन क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू प्लस थ्री प्लस वन। अब यहां से यहां तक थ्री कॉमन ले सकते हैं, तो वही कॉमन लेंगे, थ्री कॉमन लिए थ्री क्यू स्क्वायर प्लस, 12 से तीन कॉमन लेंगे तो कितना आएगा, फोर क्यू प्लस थ्री से थ्री कॉमन तो वन प्लस वन। अब ये जो ब्रैकेट में अंदर ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है उसी को थ्री एम मानेंगे, तो थ्री एम प्लस वन, वेयर एम इज इक्वल टू थ्री क्यू स्क्वायर प्लस फोर क्यू प्लस वन बी एनी इंटेजर। ठीक है, तो केस वन केस टू और केस थ्री से क्या पता चला, देखो केस वन में थ्री एम, केस टू में थ्री एम प्लस वन, और केस थ्री में थ्री एम प्लस वन। ठीक है, तो हेंस इट इज प्रूव्ड दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटेजर इज ऑफ द फॉर्म थ्री एम और थ्री एम प्लस वन, वेयर एम इज सम और एनी इंटेजर। ठीक है, तो प्रूव्ड है, ओके, यस। सो इन दिस क्वेश्चन इट इज आस्क्ड यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1। सो बेसिकली इन दिस केस इन दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स दिस 3 विल बी द डिवाइजर। ओके, सो द नंबर वी हैव कंसीडर्ड इज 3q प्लस r अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। Okay, so as the divisor is 3, so R will have 3 values which is less than 3. Okay, so it could be 0 or 1 or 2. So that means since R has 3 values, 3 cases will be there. In case 1, R equal to 0. So that means N is equal to 3Q. And hence N is equal to 9Q square. Now since the form is 3M, so we will take 3 as common and multiply it with 3q square, and this 3q square will be the value of m. Remember, m could be any value, we have to take the 3 common only. Okay, means in the question whatever the divisor is, you have to frame the answer in that form. Okay, so in this case 3q square is the m. Similarly in case 2, when the remainder is 1, this value after expansion n square is 9q square plus 6q plus 1. So from these two values 3 can be taken as common, so that's why
दिस इज 3m plus 1 एंड दिस एंटायर ब्रैकेट इज द वैल्यू ऑफ q, सॉरी इज द वैल्यू ऑफ m, सो m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q. ओके, इन केस नंबर 3 ऑल्सो व्हेन r इज 2, फर्स्ट वी हैव टू एक्सपेंड, सो n स्क्वायर इज 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4. नाउ दिस 4 कैन बी अगेन एक्सप्रेस्ड एज 3 प्लस 1, सो फ्रॉम दिस 3 टर्म्स वी कैन टेक 3 एज कॉमन. So 9q square, if 3 is taken as common, it will give 3q square. If 3 is taken common from 12q, then it will be 4q. And if 3 is taken from 3, then the value will be 1. And 1 is the remainder, so 1 is written over here. And this entire bracket, this bracket is the value of m. So it is written in the form of 3m plus 1, where m is equal to this bracket value, the value within this bracket, that is 3q square plus 4q plus 1. Which is an integer. So hence, from these three cases, case 1, case 2 and case 3, the forms are 3m or 3m plus 1, where m can be any integer. In the first case, the m value of m is 3q square. In the second case, it is 3q square plus 2q. In the third step, it is, in the third case, it is 3q square plus 4q plus 1. क्लियर. हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेम्मा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m प्लस 1 एंड 9m प्लस 8, सॉरी और 9m प्लस 8. अब इस तरह के सवाल में क्या हम डिवाइसर को 9 मानेंगे? क्या हम डिवाइसर को 9 मानेंगे? ध्यान से सोचो, अगर मैं 9 मान लेता हूं, ठीक है, तो बेसिकली r इज इक्वल लेस देन 9 बनेगा और 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू बनेगा. तो देयरफॉर r का कितना केसेस बन जाएगा? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और ये सब केसेस चेक करना पड़ेगा, तो प्रोसेस बहुत लेंदी बनेगा. तो इस तरह के सवाल में जब भी क्यूब और स्क्वायर ऐसा कुछ पूछे, तो हमेशा जो नंबर है, जो डिवाइसर के फॉर्म जगह में रखा हुआ है, जैसे यहाँ पर 9m, यहाँ पर 9m प्लस 1, यहाँ पर 9m प्लस 8, मतलब डिवाइसर की जगह जो नंबर लिखा हुआ है उसका कुछ छोटा मल्टीपल सोचो. बेसिकली मल्टीपल नहीं, छोटा फैक्टर सोचो. तो 9 का छोटा फैक्टर क्या हो सकता है? 3 हो सकता है. तो यहां पर क्या करेंगे, 3q प्लस r मानते हुए चलेंगे. और ये करने से सम कितना आसान बनेगा वो तुम अभी देखोगे, ठीक है? तो क्या करेंगे, लेट एनी पॉजिटिव इंटीजर b of the form 10 is equal to 3q plus r, where 0 less than equal to r less than 1, sorry less than 3. So that is r ka kitna value hoga, r is equal to 0, 1 and 2. So, 3 केसेस दिखाना है. सो केस 1, व्हेन r इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 3q प्लस 0 व्हिच इज इक्वल टू 3q, ठीक है? सो देयरफॉर क्यूब ऑफ ए नंबर पूछा था, तो देयरफॉर n क्यूब इज इक्वल टू कितना, 3q का होल क्यूब इज इक्वल टू 27q क्यूब इज इक्वल टू, अब सवाल में कैसे पूछा गया है 9m, तो मतलब 9 कॉमन ले लेंगे, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 9 मल्टीप्लाइड बाई 3q क्यूब, तो इज इक्वल टू 9m. पिछले सम करने के बाद ये समझ में आ गया होगा कि क्या किया हमने, वेयर m इज इक्वल टू 3q क्यूब बोल देंगे इस एनी इंटेजर.
मतलब हमेशा जो डिवाइसर के जगह पे रहेगा उसी का कुछ मल्टीपल के फॉर्म में दिखाना ही हमारा काम होगा, ठीक है। तो केस टू में क्या होगा, आर इक्वल्स टू वन है इसमें, तो देयर फोर एन इज इक्वल टू 3q+1, तो देयर फोर एन क्यूब कितना है, 3q का क्यूब, चलो मैं पूरा एक्सपेंशन लिख देता हूँ, 3q का क्यूब + 3 क्या मल्टीप्लाइड बाय 3q होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 + 3 × 3q × 1² + 1³। इसको इस फॉर्म से भी लिख सकते थे या तो फिर इस फॉर्म में भी लिख सकते थे, 3³³ + 1³+3 × 3³³ ब्रैकेट में 3³ + 1, ऐसे भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो विच इज इक्वल टू कितना आया, 27³³ + 1+9³³³ अब देखो इस टर्म से और इस टर्म से 9 कॉमन ले सकते हैं कि नहीं, तो 9 कॉमन लेंगे, तो विच इज इक्वल टू 9 ब्रैकेट में कितना आएगा, 3q³ प्लस, अब देखो क्यू क्यूब 3q के साथ मल्टीप्लाई होगा, या तो फिर इसको पहले इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, +1। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर है उसी को m मानेंगे, तो इज इक्वल टू 9m+1 वेयर m इज इक्वल टू 3q³ प्लस, ये कितना आएगा, 3q × q इज इक्वल टू 3q² + q इज एनी इंटेजर, ठीक है। ये केस टू हो गया, अब केस थ्री, केस थ्री में क्या था, आर इक्वल्स टू टू, तो देयर फोर एन इज इक्वल टू 3q+2, देयर फोर एन क्यूब इज इक्वल टू कितना, 3q³ + 2q³ + 3 × 3q² × 2 ब्रैकेट में 3q+2, तो इज इक्वल टू 27q³ + 8 + 9। अब देखो इस 2q जो है यहां पर, 9 मतलब क्या, 3 × 3 = 9, और इस 2q को क्या हम इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते ब्रैकेट के अंदर जो है, तो उसी को मल्टीप्लाई पहले कर लेते हैं, तो 2 × 3 = 6, q × q = q², अगेन 2 × q = 2q × 2 = 4q, सो इट इज बेसिकली दिस वन, अंडरस्टूड, ओके। सो नाउ वी कैन टेक कॉमन, 9 कॉमन लिए फर्स्ट वाले से, तो 3q³ प्लस, अब इस वाले से तो 9 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 3 6q² + 4q, और कांस्टेंट क्या है, +8, तो इज इक्वल टू 9m+8 के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर m इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है वही लिख देंगे, 3q³ + 6q² + 4q इज एनी इंटेजर, ठीक है। तो केस वन से 9m आया, केस टू से 9m+1 आया, और केस थ्री से 9m+8 आया। सवाल में ध्यान से देखो, वही तीन एक्सप्रेशन पूछा गया था, 9m हो सकता है, 9m+1 हो सकता है, या तो फिर 9m+8 हो सकता है, तो हेंस इट इज प्रूव्ड दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटेजर इज ऑफ द फॉर्म 9m और 9m+1
और 9m+8 वेयर m इज सम इंटेजर प्रूव्ड। ठीक है, यस। सो स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन नंबर 5 इट इज सेड यूज यूक्लिड डिवीजन लेमर टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m+1 और 9m+8। सो फ्रॉम द प्रीवियस क्वेश्चन यू कुड हैव कंसीडर्ड द डिवाइसर टू बी m, बट इन दैट केस टू बी n। सो इन दैट केस द रिमाइंडर शुड हैव बीन लेस देन 9। So that means R will have total 9 values from 0 to 8. Okay. So 9 cases would have been formed. So the question means the solution would have been lengthier. Okay. So that's why what I have said is that you consider a smaller factor of the divisor in this case. So 3 is a smaller factor of 9 because 9 has only 3 factors. No. 9 has 3 factors. 9 has factors like 1, 3 and 9 itself. So you can consider 9 as 3 as a factor. Okay. So you will be considering 3q plus r as the integer. Okay. And after that, since 3q plus r, so the divisor is 3. So in this case, the r will have only 3 values, which is 0 or 1 or 2. Okay. So in case 1, the remainder is 0. So in that case, n cube is equal to 3 cube whole cube, which is equal to 27q cube. Now, as we are to express it in the form of 9m, so we will be taking 9 common from each of the cases. So in this case, 9 is taken as common. So 3q cube is considered to be the value of m, which is an integer. Okay, similarly, in the second case, it is 3q plus 1 as r is 1. So in that case, the value is 27q cube plus 1 plus 9q in the bracket 3q plus 1. So in this case, 9 can be taken common from this value and from this value. So 9 is taken as common and it is expressed in the form of 9m plus 1. And this whole bracket, the expression in this bracket is the value of m basically. Okay. So this is 3q cube plus 3q square plus q, okay, which is an integer. And in case number 3 also, the remainder is 2. So again, we have to expand it and take 9 as common. So in this case, 9 is taken as common. And this expression is assumed to be the value of m. Okay, so m is equal to 3q cube plus 6q square plus 4q, which is an integer. So from these three cases, we can say that the cube of any positive integer is of the form either 9m or 9m plus 1 or 9m plus 8, which was required to prove. Okay. So hence it is proved that the cube of any positive integer is of the form 9m or 9m plus 1 or 9m plus 8, where m is some integer. Understood? Okay. Thank you.